ये देखो ये ग्रेवी इस तरह से पक के रेडी हो गई है। अब मैं इसको दाल में डालूंगी सामने। इसको काफी देर, मतलब थोड़ी देर इसको पका लें, फिर उसके बाद ये देखो इसको इस तरह से किसी भी सब्जी में डाल के आप इसको, अब इसके ऊपर चाहे तो दाल के ऊपर जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। धनिया डाल दो, के सामने इसमें डालूंगी मटर पनीर। मेरी दो सब्जियां रेडी हो गई। देखा कितना इजी हो गया काम, और ये बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट देती है। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, कसूरी मेथी भी डालनी है, थोड़ी सी भून के वो डाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको इसमें पानी भी डलेगा थोड़ा। चला के हल्का सा पानी डाल देंगे और कुकर कर देंगे बंद। तो मेरी हो गई दो सब्जियां रेडी। अब ये मेरी जो बाकी की ग्रेवी बच गई है वो कल भी काम आएगी, फ्रिज में रख दूंगी। इसको मैं थोड़ा और पका रही हूँ ताकि ये रेडी टू यूज हो। देखो ये घी ऊपर आ रहा है ना, इसका मतलब है ये पक गई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप बताएं।